अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखेंगे कि हाउ वी सॉल्व द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस इन द मैटलैब। सो मैटलैब में जब हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने जाते हैं तो सबसे पहले हम कोई एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। लाइक हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, dy बाई डी टी इज इक्वल टू टी वाई। इसको आप अगर मैनुअली खुद सॉल्व करना चाहें तो आप इसको एज अ सेपरेबल वेरिएबल मेथड से करते हैं। लाइक डी वाई बाई डी हो जाएगा, टी इंटू डी टी हो जाएगा, आप उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो आपके पास इसका सोल्यूशन आ जाएगा। बट हम इधर इसको देखेंगे, हम इसको मैटलैब में कैसे सॉल्व कर रहे हैं। सो मैटलैब में सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें, जिस तरह हम सिम्स से कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, इस तरह हम सिम्स से फंक्शन भी डिक्लेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले, चूंकि यहाँ पे हमारे पास जो वाई है इस फंक्शन ऑफ टी, सो हम इसको एज अ फंक्शन ऑफ टी के तौर पे लिखेंगे। सो सिम्स एक हम फंक्शन डिक्लेयर कर लेते हैं वाई एज अ फंक्शन ऑफ टी। उसके बाद हम जो हमारे पास ये जो इक्वेशन है इसको सबसे पहले हमने एक लिखना है एक्सप्रेशन में, और एक्सप्रेशन में लिखने के लिए हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास चूंकि डेरिवेटिव है और हम देख चुके हैं कि डेरिवेटिव के लिए हम डेफ की कमांड यूज़ करते हैं। सो हम वाई का विद रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेटिव ले रहे हैं। इस एक्सप्रेशन को हम लिखेंगे डेफ, और उसमें हम वाई विद रिस्पेक्ट टू टी, यानी कि हमने जो पहला एक्सप्रेशन है वो वाई का हम डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टी ले रहे हैं। ये जो इक्वल टू का साइन है, इक्वल टू का साइन आपको पता है, जब मैटलैब में सिर्फ इक्वल का साइन यूज़ होता है तो दैट मीन के वो वैल्यू असाइन करने के लिए यूज़ कर लेते हैं। लेकिन जब इक्वेशन में इक्वल टू का साइन हमें यूज़ करना पड़ता है तो उसके लिए हम मैटलैब में डबल इक्वल टू का साइन लेते हैं। डबल इक्वल टू का साइन हमें सिंगल इक्वल टू के साइन से डिफरेंशिएट करता है। सिंगल इक्वल का साइन असाइन वैल्यू करने के लिए यूज़ होता है, और ये हमारे पास जो डबल इक्वल टू का साइन है वो हमें इक्वेशन फॉर्मेट में अगर हमने लिखना है कि हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वेशन होती है उसको हम लिखने के लिए यूज़ करते हैं। सो दिस इज इक्वल टू टी वाई। सो ये एक्सप्रेशन हम एक सिंबॉलिक एक्सप्रेशन, लेट्स से ODE वेरिएबल में हम इसको सेव कर लेते हैं, जो हमारे पास सिंबॉलिक वेरिएबल सिंबॉलिक एक्सप्रेशन कोई भी होगा। सो बेसिक हमारे पास जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको सॉल्व करने के लिए जो कमांड यूज़ होती है वो डी सॉल्व की कमांड है। ये डी सॉल्व मैटलैब का बिल्ट इन फंक्शन है। इसके अंदर हम एक सिंबॉलिक इक्वेशन पास करते हैं। वो सिंबॉलिक इक्वेशन हमने यहाँ पर लिख ली है, दिस इज़ दैट सिंबॉलिक इक्वेशन, और ये सिंबॉलिक इक्वेशन हम इस कमांड के अंदर पास करेंगे तो ये हमें इसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर देगा। अब हम इसको मैटलैब पे करके देखते हैं कि हाउ डू वी डू दैट। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम इसको लिखते हैं सिम्स वाई ऑफ टी, और हमारे पास जो भी सिंबॉलिक एक्सप्रेशन है वो हमारे पास हो जाएगा, चूंकि हमारे पास था डी वाई बाई डी टी, उसको हम डी एफ वाई एज अ वेरिएबल हमारे पास जिससे हमने इसको डेरिवेटिव लेना है वो टी है, देन डबल इक्वल टू साइन और टी मल्टीप्लाई बाय वाई। ये हमारे पास जो सिंबॉलिक एक्सप्रेशन था, ये इक्वेशन है जिसको हमने सॉल्व करना है। और हमारे पास जो कमांड है वो डी सॉल्व की कमांड है। सो आप इसको लिख सकते हैं डी सॉल्व, एंड देन ये सिंबॉलिक एक्सप्रेशन जो हमने ऊपर लिखा ये इसको पास कर देंगे। इसको जब हम रन करेंगे, नाउ सेव इट लाइक डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्यूशन। जब हमने इसको रन किया तो हमने ये देखा कि इसको इसने C1 और e की पावर टी स्क्वायर ओवर 2 इसका हमने सोल्यूशन इसका आ गया हमारे पास। ये सोल्यूशन आप किसी वेरिएबल में भी सेव कर सकते हैं, लाइक से कि हम इसको y सोल्यूशन t में सेव कर लेते हैं। सो वी कैन, सो ये हमारे पास एक सोल्यूशन आ गया है। उस किसी सिंबॉलिक फंक्शन में सेव करने का हमारे पास फ़ायदा यह है कि हम टी की वैल्यूज़ उसमें यूज़ करके हम कोई स्पेसिफिक वैल्यू भी निकाल सकते हैं कि फॉर सम स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ टी इसका जो सोल्यूशन आ रहा है वो क्या होगा। डी सॉल्व की कमांड में कैरेक्टर स्ट्रिंग भी यूज़ हो सकता है, लेकिन दिस इज़ गोइंग टू बी डिसकंटिन्यूड इन द फ्यूचर वर्जन, इसलिए मैंने आपको वो वाली कमांड नहीं बताई। अब जो प्रेफर्ड कमांड है जो मैटलैब की तरफ से, वो मैंने आपको सिखा दी है। बट जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन मैं आपको वो कमांड भी बता देता हूँ जो इससे पहले यूज़ करते रहे हम डी साल में फॉर द स्ट्रिंग इनपुट, बट दिस विल बी डिसकंटिन्यूड इन द फ्यूचर वर्जन।
बट जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूँ कि लेट्स सी कि हम इससे पहले जो हमारे पास अगर इसी तरह डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू टी वाई अगर कोई एक्सप्रेशन है हमारे पास, तो हम इसको कैसे करते थे, किसी भी एक एक्सप्रेशन में हम इसको लिख देते थे, और जो डी वाई बाई डी टी था उसको हम डी वाई लिखते थे। और लेट्स से कि वो हमारे पास टी वाई है, जो भी एक्सप्रेशन आपके पास आ रहा है, इसको हम डी साल की कमांड के अंदर पास करते थे इक्वेशन वन, और किस अपने टी के प्रोस्पेक्ट में इसको डेरिवेटिव इसका सोल्यूशन निकालना है, तो ये इसका सोल्यूशन हमारे पास निकल आता था। सो इससे पहले हम इसको ऐसे यूज़ करते आए हैं, बट नाउ द सिंटेक्स हैज बीन चेंज, और जो फ्यूचर वर्जन है इसमें ये डिसकंटिन्यू हो जाएगा। आप इसको डी वाई से आपने नहीं करना, और जो भी वेरिएबल्स हैं हम लोग उन्हें एज अ फंक्शन पहले सिम्बॉलिक फंक्शन के तौर पर डिक्लेयर करना है, और फिर उनको डिफरेंट एक्सप्रेशन में डिफ के यूज़ करते हुए लिखना है, और फिर हम इसको मार्क करनी है। लेट्स से हम एक एग्जांपल और कर लेते हैं, एक फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कोई और सॉल्व करते हैं, डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू ए वाई। लेट्स से इसको हम कमेंट कर देते हैं, चूंकि ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, दिस इज फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, और हमें इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिम से एक सिंबॉलिक फंक्शन डिक्लेयर कर देंगे वाई एज अ फंक्शन ऑफ टी, और चूंकि इसमें ए भी यूज हो रहा है तो हम इसको ए भी डिक्लेयर कर लेते हैं पहले। नाउ वी राइट एन इक्वेशन डी वाई बाई डी टी को हम डिफ वाई विद रिस्पेक्ट टू टी लिख लेते हैं, और इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाई वाई। देन हम सिंपल इसको डी सॉल्व की कमांड यूज करते हुए इक्वेशन पास कर देंगे, और हम इसको रन कर लेते हैं। सो ये आपके पास इसका सोल्यूशन आ गया, सी वन ई की पावर ए टी। सिंपली इस कमांड से हमने एक डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर लिया। अब चूंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सी वन आ रहा है, दैट मीन सी वन किस लिए आ रहा है, जब आप किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो उसमें आपके पास एक कांस्टेंट आता है, उस कांस्टेंट को की वैल्यू निकालने के लिए आपके पास कुछ इनिशियल कंडीशन होती है हमेशा डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ। तो वो इनिशियल कंडीशन हम अगर इसमें देना चाहें तो वो कैसे दे सकते हैं, उसके लिए हम एक देख लेते हैं कि लेट्स से कि हम ये कहते हैं यही हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, और एक कंडीशन दे देते हैं, एक वेरिएबल लिख लेते हैं कंडीशन के नाम से, और उसमें कर लेते हैं कि वाई ऑफ ज़ीरो इक्वल टू टू। अब ये याद रहे कि ये वाई ऑफ ज़ीरो, चूँकि वाई कोई हमारे पास अरे वेरिएबल नहीं है, अरे वेरिएबल से पहले हम देखते हैं कि अरे वेरिएबल में हम ज़ीरो इंडेक्स नहीं दे सकते। जो अरे वेरिएबल है वो उसका जो इंडेक्स है वो वन से ही स्टार्ट होता है, लेकिन चूंकि ये हमारे पास वाई फंक्शन है तो इसमें आप कोई भी वैल्यू पास कर सकते हैं, सो आप इसमें ज़ीरो भी पास कर सकते हैं, सो डू नॉट कन्फ्यूज़ इट विद द अरे वेरिएबल। ये हमने एक कंडीशन लिखी जो कि वाई ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू टू था। ये कंडीशन हमने लिखी डी साल्व की कमांड के अंदर, जहाँ पर आप ये पहला पैरामीटर इक्वेशन का पास करते हैं तो सेकंड पैरामीटर आप कंडीशन का पास कर सकते हैं। जब आप कंडीशन का करेंगे पास और इसको आप रन करेंगे तो ये आपको कोई ना कोई सोल्यूशन दे देगी, विच इज़ टू ई की पावर ए टी। इसकी हम कोई और एग्जाम्पल भी करके देख लेते हैं। लेट्स से हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, डी वाई बाई डी टी प्लस फोर वाई ऑफ टी इज इक्वल टू ए की पावर माइनस टी। सो ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको हमने सॉल्व करना है। इसकी जो इनिशियल कंडीशन है हमारे पास वो वाई ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू वन है। सो हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम सिंबॉलिक एक्सप्रेशन, जैसे आपने देखा कि सिंबॉलिक फंक्शन डिक्लेयर कर लेंगे वाई एज अ फंक्शन ऑफ टी, और फिर हम एक सिंबॉलिक एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। इसमें हम जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको लिखते हैं। सो डी वाई बाई डी टी को कैसे लिखेंगे, डिफ वाई विद रिस्पेक्ट टू टी प्लस फोर मल्टीप्लाई बाय वाई इज इक्वल टू, डबल इक्वल टू का साइन है, और ई की पावर को आप ई एक्स पी के कमांड में लिखते हैं, और ये है माइनस टी, और इसके बाद आप
कोई भी कंडीशन स्पेसिफाई कर सकते हैं, जैसे हमने कंडीशन ऊपर दी है y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, सो यू कैन राइट इन द सिंबॉलिक एक्सप्रेशन कंडीशन इज इक्वल टू y ऑफ 0 इक्वल टू 1, एंड देन आप इसमें कोई भी सॉल्यूशन वेरिएबल में डाल सकते हैं वैल्यू। लेट्स सी हम इसको एक किसी फंक्शन y सॉल्यूशन का फंक्शन लिखते हैं। डी सॉल्व की कमांड के अंदर हम सबसे पहले सिंबॉलिक एक्सप्रेशन जिसमें हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो पास करते हैं, उसके बाद हम कंडीशन पास करेंगे, देन वी विल रन इट एंड इसको हम सेव कर लेते हैं पहले। डिफरेंशियल इक्वेशन 2 के नाम से लेट से, और अब हम इसको रन करते हैं। सो दिस सॉल्व्स द डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इट गिव्स द सॉल्यूशन। अभी हमने देखा कि हाउ टू सॉल्व द लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम कोई नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की एग्जांपल लेते हैं जिसमें इनिशियल कंडीशंस आप दी होंगी, और हमें एक लेट्स सी की एग्जांपल ले लेते हैं। dy by dt plus y का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और इनिशियल कंडीशन आपके पास ये दी हुई है। इसको हम मैटलैब पे करके देखते हैं। सिंटैक्स इज एग्जैक्टली द सेम, सिर्फ आपने इसको स्पेसिफाई कैसे करना है, इसका स्क्वायर लिखना है, और बाकी इक्वेशन वही है, कमांड भी वही है। सिर्फ आपने इसको डी वाई बाई डी टी प्लस वाई का स्क्वायर की फॉर्म में जो इक्वेशन है वो लिखनी है। इसको हम मैटलैब पे करके देख लेते हैं। सो हमें जो इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी है वो है डी वाई बाई डी टी प्लस y होल स्क्वेयर्ड इज इक्वल टू 1, और जो हमारे पास इसमें इनिशियल कंडीशन है वो है y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। अब जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले अगेन जैसे हम करते आए हैं, एक हमें सिंबॉलिक फंक्शन डिक्लेयर कर लेते हैं, दैट इज y विच इज फंक्शन ऑफ t, और फिर हम इसमें जो हमारे पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको एक सिंबॉलिक एक्सप्रेशन के तौर पे लिख लेते हैं। सो इसमें हम डी वाई बाई डी टी को यू नो कि हम इस पर लिखते हैं डिफ वाई टी प्लस वाई एंड होल स्क्वेयर्ड इज इक्वल टू 1। सो ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, और इसकी कंडीशन नाम हम लिख लेते हैं। सो ये हमें सिंगल इक्वेशन थी। अच्छा, कंडीशन इज y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगेन डी सॉल्व की कमांड है हमारे पास, डी सॉल्व, और इसमें आप जो भी आपके पास एक्सप्रेशन होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का वो लिखें, और साथ में आप कंडीशन स्पेसिफाई कर दें। देन वी विल रन इट, वी हैव टू सेव इट फॉर नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सो हमारे पास इसका आंसर आ गया। दिस इज जो हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो e की पावर माइनस टी माइनस 1 और 1 माइनस e की पावर माइनस टी है। अब हम कोई सेकेंड ऑर्डर की ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन लेते हैं और उसको हम चेक करने की कोशिश करते हैं कि हाउ वी सॉल्व इट। लेट्स से हमारे पास सेकेंड ऑर्डर की कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, डी स्क्वेयर वाई बाई डी टी स्क्वेयर, सो दिस इज इक्वल टू कॉस ऑफ 2t माइनस वाई। सो जब सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसको सॉल्व जब आप करेंगे तो आपके पास दो कांस्टेंट्स आ जाएंगे। जब आपके पास दो कांस्टेंट आ जाएंगे, उन दो कांस्टेंट्स को सॉल्व करने के लिए आपको इसका मतलब है जो इनिशियल कंडीशंस हैं वो भी दो चाहिए। सो इनिशियल कंडीशन लेट्स सी हम एक लिखते हैं y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, और दूसरी इनिशियल कंडीशन हम लेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 आर 0। सो हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, सो इसलिए हमारे पास इसमें दो इनिशियल कंडीशंस है हमारे पास इसमें। अगेन हम सिमिलरली के सिम्स से एक फंक्शन डिक्लेयर कर लेंगे सिंबॉलिक फंक्शन, और उसके बाद हम जो इक्वेशन लिखते हैं वो हम इसको लिख लेते हैं डिफ वाई विद रिस्पेक्ट टू टी और सेकंड डेरिवेटिव। सो दिस इज डी स्क्वेयर वाई ओवर डी टी स्क्वेयर। सो आपको पता है जो सेकंड डेरिवेटिव है उसके लिए आप इसको
2 लिख देते हैं डिफ की कमांड के अंदर. सो दिस इज इक्वल टू कॉस ऑफ 2t माइनस वाई. सो ये आपकी इक्वेशन हो गई. अब कंडीशन हमारे पास दो हैं. सो सबसे पहले आप एक कंडीशन लिखेंगे, कंडीशन वन विच इज y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1. अब जो हमारे पास सेकंड कंडीशन है उसके लिए हमारे पास चूंकि सबसे पहले हमें डेरिवेटिव लेना है y का, तो हम चूंकि y के डेरिवेटिव के लिए यहाँ पर एक कंडीशन पहले लिख लेते हैं. डिफ की कमांड है हमारे पास डेरिवेटिव के लिए. सो हम अगर y का डेरिवेटिव ले लेते हैं और इसको हम किसी एक और सिंबॉलिक एक्सप्रेशन में लिख लेते हैं, दैट इज डी वाई, और इसको हम ये डिफरेंशिएशन ऑफ वाई की वैल्यू असाइन कर देंगे. जब कंडीशन टू हम लिखेंगे तो यहाँ पर डी वाई में हम सिर्फ ज़ीरो पास कर देंगे, चूँकि ज़ीरो वैल्यू थी वो हमने पास कर दी, और ये वाली वैल्यू पर हम इज इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगी हमारे पास. इसके बाद हमारे पास चूंकि ये दो कंडीशंस आ गई हैं और जो डी साल्व की कमांड है उसमें हमने चूंकि कंडीशन का एक वेरिएबल पास करेंगे, तो हम इसको अरे वेरिएबल के तौर पे लिख लेते हैं और इन दोनों कंडीशंस को उसके अंदर लिख देते हैं. उसके बाद हमारे पास डी साल्व की कमांड आएगी. सो हम डी साल्व की कमांड में सबसे पहले लिखेंगे इक्वेशन और जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन का सिंबॉलिक एक्सप्रेशन हमने बनाया हुआ है वो हम लिख देंगे, विच इज़ ओ डी ई, सॉरी इट इज़ नॉट इक्वेशन, इट इज़ ओ डी ई, और उसके बाद हम कंडीशन पास कर देंगे. ये हम असाइन कर देते हैं कोई एक और सिंबॉलिक फंक्शन को, विच इज़ वाई सॉल्यूशन ऑफ टी. अब हम इसको रन करते हैं. तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आ जाएगा, जो अभी हमारे पास ये फंक्शन है इसका हमारे पास ये सोल्यूशन आ गया. इसको हम सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, वाई सोल्यूशन सिंपल के नाम से कोई वेरिएबल कैलकुलेट करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम इसको वाई सोल्यूशन. इसको अगेन रन करेंगे तो ये हमारे पास सिंप्लीफाई होकर आ जाएगा और ये हमारे पास फाइनल इस इक्वेशन का सोल्यूशन आ जाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन, विच वाज द सेकंड ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, और इसके पास हमारे पास इनिशियल कंडीशंस थी. एक एग्जांपल हम इसकी और देख लेते हैं, सो वी गेट होल्ड ऑफ व्हाट वी आर लर्निंग. लेट्स से कि हम एक डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना चाहते हैं, विच इज 2x स्क्वायर देन d स्क्वायर y आवर dx स्क्वायर प्लस 3x dy by dx माइनस y इक्वल टू 0. ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको हम सॉल्व करना चाहते हैं. अगेन हम सबसे पहले सिंबॉलिक फंक्शन क्रिएट कर देते हैं. अब ये चूंकि y इज़ अ फंक्शन ऑफ x है तो हमें यहाँ पे x लिखना पड़ेगा. उसके बाद हम ODE और उसके बाद हम लिखते हैं इसको जो भी हमारी इक्वेशन थी उसको हम लिखने की कोशिश करते हैं, 2x स्क्वायर्ड मल्टीप्लाई बाय आगे डी वाई बाई डी एक्स था, दिस इज डी स्क्वायर वाई. सो इसका मतलब है कि दिस इज डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स. सो इसको हम लिखेंगे डी एफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स और सेकंड डेरिवेटिव, देन प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय डी वाई बाई डी एक्स. तो उसके लिए आप सिंपली y with respect to x लिखेंगे, then minus y और equal to 0. So ये हमारे पास symbolic expression आ गया जिसमें हमने differential equation लिख दी. Then we can write symbolic command of dsolve, which is ordinary differential equation, and if we run it, that is example, let's say 3. ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सलूशन आ गया हमारे पास. इसमें आप देख रहे हैं कि हमारे पास दो कांस्टेंट्स हैं, लेकिन ये इस वजह से हैं कि चूंकि इनिशियल कंडीशन हमने इसमें स्पेसिफाई नहीं की. सो इफ वी ऐड द इनिशियल कंडीशंस तो हमारे पास इनका कोई ना कोई आंसर आ जाएगा, C1 और C2 का, तो हमारे पास जो सोल्यूशन आ जाएगा विदाउट द कॉन्स्टेंट्स.